हेलो व्यूवर्स, मैं आज बनाऊंगी राम लड्डू। तो चलते हैं सना का किचन में। सबसे पहले हमें राम लड्डू बनाने के लिए चाहिए दो तरह की दालें, चने की दाल और मूंग की दाल। ये एक कटोरी चने की दाल हमने ली है, जिसको हमने रात भर पानी में भिगो के रखा था और फिर इसको धो के पानी निकाल दिया इसका। ये हमने मूंग की दाल ली है, जो कि 3 कटोरी है। अगर 3 कटोरी हम मूंग की दाल लेंगे तो हमें 1 कटोरी चने की दाल लेनी है। इसको भी मैंने रात भर पानी में भिगोया और धोकर इसका पानी निकाल लिया। अब हमें इसको मिक्सी जार में पीसना होगा, तो इसके लिए हम जार में जो है इस दाल को डालेंगे। दोनों दालों को हमें अलग अलग ही पीसना है। इसको थोड़ा दरदरा पीसना है। चलिए हम इसको पीसते हैं। दाल हमारी पीस गई है, अब हम इसको इस बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमें बाकी दाल को भी ऐसे ही पीस लेना है। दाल पीसते हुए मैंने हींग का पानी इसमें ऐड किया था। अगर आपको लगता है कि पानी के बिना पीस नहीं रही, तो आप इसमें हींग का पानी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हमें अब चने की दाल को पीस लेना है। चने की दाल हमारी एक बार में पीस जाएगी। थोड़ा सा हम हींग का पानी ऐड डाल कर लेते हैं, इससे आराम से पीस जाएगा और इसका हींग का टेस्ट जो होता है, राम लड्डू का टेस्ट और बढ़ा देता है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, उसको भी पीस लेते हैं। अब हमारी चने की दाल भी पीस गई है, इसको भी हम मिला देते हैं। दोनों दाल हमारी पीस गई हैं। अब हमें इसे करना क्या है कि हमें इसको अच्छे से फेंटना है, तो हमें इसको हाथ से फेंटना है। उसको इतना फेंटना है कि ये क्रीमी सी हो जाएगी, तब तक इसको फेंटना है। जितना हम इसको फेंटेंगे अच्छे से, उतना ही ये हमारे राम लड्डू फूल कर अच्छी सॉफ्ट बनेंगे। ये देखो, इसमें काफ़ी क्रीमी लुक आने शुरू हो गया है, लेकिन हमें इसे और फेंटना है। इसको जितना फेंटेंगे उतना ही सॉफ्ट हमारे लड्डू बनेंगे, उतना ही सॉफ्ट और टेस्टी हमें लगेंगे। हमने इसको काफ़ी फेंट लिया है, बस हम इसको चेक करते हैं। वो हमें करना क्या है, एक छोटी कटोरी में पानी लेना है और थोड़ा सा इसको चेक डालना है।
इस तरह से ऊपर आ गया है, इसका मतलब ये हो गया है। ये हमारा हो चुका है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। ये काफ़ी क्वांटिटी है तो मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है सफ़ेद नमक, 2 चम्मच से थोड़ा और ज़्यादा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के हरी चटनी, जो मार्केट वालों का सीक्रेट है, ये हरी चटनी। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए बिल्कुल क्रीमी हो गया है, ये तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। कितना सॉफ्ट क्रीमी। अब हम तलने के लिए ऑयल गरम करते हैं। अब हमें इन्हें ब्राउन कलर तक होने तक तलना है। गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। निकाल लेते हैं इनको। ये मैंने मूली को धोकर कद्दूकस कर लिया था और इसको निचोड़ भी लिया था। और ये कुछ मूली के पत्ते हैं, इनको भी मैंने चॉप कर लिया था। अब हम इनको अब हम इसको से डेकोरेट करेंगे। थोड़े से मूली के पत्ते भी हम डाल देते हैं। ये हरी चटनी हम डालेंगे। अब हमें डालेंगे इसमें खट्टी मीठी चटनी। ये हमारे राम लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको आपको दिखाते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए,